रब करीम ने सूरह आले इमरान में फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह के रास्ते पर आने वाली मुश्किलात पे सब्र करो, काफिरों पर साबित कर दो कि तुम उनसे ज्यादा ताकत और कुव्वत रखते हो और अपने अज़्म में साबित कदम हो, और आपस में सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। अल्लाह की इताअत से गाफिल न रहो और उसके रास्ते पर चलते रहो ताकि तुम कामयाब बंदों में शामिल हो जाओ। अल्लाह का कलाम इंसानियत की भलाई और रहनुमाई के लिए मशाल रहा है। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कलाम पाक नाजिल फरमाया, लेकिन मुसलमान इसकी तालीमात समझने और इस पर अमल करने से कासिर हैं। हालांकि अल्लाह अपनी किताब में फरमाता है, आसमानों और जमीनों को बनाने में, दिन से रात और रात से दिन के बदलने में, और इनके तवील और मुख्तसर होने में अल्लाह की कुदरत और अजमत की बहुत सी निशानियां मौजूद हैं, और इन निशानियों को सिर्फ साहिब अक्ल और दानिश ही पहचान सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। इंशाअल्लाह रब करीम कलाम पाक में अपने नेक बंदों के लिए फरमाता है, अल्लाह ने उनकी दुआओं को कबूल करके उनकी इबादतों का सिला अता फरमाया है, चाहे वो मर्द हो या औरत, वो किसी की भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता।